हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम एसएस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, फिफ्थ क्लास के बच्चों, चलिए जल्दी से हम लोग अपने पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से पेंसिल, नोटबुक और अपनी बुक सभी बच्चे खोल लेंगे। ओके बेटा, चलिए। कौन सा चैप्टर है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर? यस, बताइए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना बेटा? तो चले शुरू करें। ओके लेट्स स्टार्ट बेटा। ओके लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आप लोगों ने देखा बेटा किस प्रकार रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है ना? किस प्रकार जो प्लांट्स हैं उनसे न्यू प्लांट्स किस प्रकार ग्रो करते हैं, है ना? आर्टिफिशियल मेथड द्वारा भी होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके थ्रू भी होता है ना? और आपने ये भी जाना कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट के कौन से होते हैं, है कि नहीं? कौन से होते हैं? स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फीमेल कौन सा है? कौन सा है? पिस्टल। यस, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके बेटा, आप लोगों ने पढ़ा सारा? कहाँ तक पढ़ा है? सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये भी हो गया हमारा। पॉलिनेशन भी हो गया, है ना? अब हम कहाँ से पढ़ेंगे? यस, आफ्टर फॉलिंग स्टिग्मा, ये भी हो गया हमारा, है ना? कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे गिरते हैं उसके बाद वो किसके थ्रू, ये देखिए जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है उसके थ्रू कहाँ आते हैं? यस, ओवरी में आते हैं और सीड फॉर्म होता है। ये सब लोग हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके बेटा, अभी हम हैं कहाँ पे? यस, द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, है ना बेटा? आप लोग कोई भी जो ग्राम है, मान लो जो चना है, बंगाल ग्राम है, वो उठा के देखिएगा, है ना? जो कि कैसा हो, पानी में भिगोया हुआ चना होता है ना, जो रात भर भिगो के और नेक्स्ट डे उसको क्या करते हैं, पानी निकाल के और अगले दिन उसको क्या करेंगे, एक सूखे कपड़े से इसको ढक देते हैं। और उसके बाद हम जब उसके नेक्स्ट डे जब हम लोग खोलेंगे तो उसको अगर आप इस तरह से आप देखोगे खोल के बेटा, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखाई देगा किस चीज़ का, कि जो ऊपर का कवर होता है उसे बोलते हैं सीड कोट। क्या होता है वो? सीड कोट। और उसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट भी बेटा आपको नज़र आएगा, छोटा सा निकलता हुआ। और जो बाकी का जो पार्ट रह जाता है सीड कोट के अंदर बेबी प्लांट्स के अलावा, उसे बोलते हैं क्या? कोटी लेडन्स बोलते हैं। ओके, वो क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा जो बेबी प्लांट इसमें ग्रो करेगा उनके लिए ये पूरा भोजन होता है। ओके इतना समझ गए हो ना? ओके बेटा चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन सम प्लांट्स देर आर टू कॉटिलेडन्स लाइक पीस, बीन्स, ग्राउंडनट एट्सेट्रा, सच प्लांट्स आर कॉल्ड डाई कॉटिलेडन्स। यानी जिनमें दो होते हैं कॉटिलेडन्स उनको क्या बोलते हैं? डाई कॉटिलेडन्स। ओके, एंड राइस, मेज, व्हीट एट्सेट्रा हैव ओनली वन कॉटिलेडन एंड आर कॉल्ड मोनो कॉटिलेड। सिंगल है तो मोनो और डबल है तो डाई। ठीक है बेटा। ओके, सीड डिस्पर्सल, अब आता है सीड का प्रसार। ठीक है, इफ मैनी सीड्स फॉल एट वन प्लेस दे डू नॉट ग्रो प्रॉपरली एज दे कंपीट फॉर स्पेस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड लाइट। बोला जा रहा है बेटा कि अगर ढेर सारे बीज एक जगह पे, है ना, गिर जाए, अब सबको ग्रो करने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व चाहिए, लाइट चाहिए खाना बनाने के लिए। एक थोड़ी सी जगह पे अगर ढेर सारे पौधे लगाए जाएंगे तो बेटा उनको वो अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे, उनमें क्या, वो कम्पीट करेंगे एक दूसरे से, उनके अंदर कंपटीशन होगा, है कि नहीं? अच्छे से वो बढ़िया से ग्रो नहीं करेंगे, है ना? आप ये करके देखिएगा कि जैसे कि कम से कम 10-15 पेड़ एक जगह पे अगर आप लगाइए तो देखिए सारे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते,
है ना। तो अगर इस प्रकार का होगा तो क्या होगा, अच्छे से पेड़ पौधे ग्रो नहीं करेंगे और जो हम लोग उनसे चाहते हैं वो हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।